अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें आज के दिन में रहते हुए आगे की डेट का अगर चेक देना हो तो उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, क्योंकि चेक तो दे दिया आपने लेकिन अभी वो पैसा आपके अकाउंट से माइनस नहीं हुआ, तो किस तरीके से आप उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, टैली स्टार्ट करते हैं। और टैली स्टार्ट करने के बाद देखिए, आज की जो डेट है वो है 23 अगस्त, जो यहाँ पर इस वक्त मेरे सिस्टम में शो हो रही है, सिस्टम में टैली में जो वाउचर इंटर्ड हुए हैं वो 23 अगस्त तक वाउचर इंटर हो चुके हैं। तो डेट शो हो रही है मेरे पास 23 अगस्त 2021। सपोज़ कीजिए कि 23 अगस्त को मैंने अपने किसी एक सप्लायर को पेमेंट किए। अच्छा, किसको पेमेंट कर रहा हूँ ज़रा आइए देखते हैं। डिस्प्ले में जाता हूँ मैं, यहाँ पर डिस्प्ले लिखा हुआ है, डिस्प्ले में गया। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस, मैं ट्रायल बैलेंस में गया। यहाँ पर लिखा हुआ है करंट लाइबिलिटीज़, आई होप कि आपको चीज़ें पता होंगी करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ में गया। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड्री क्रेडिटर्स, यानी मैं आज पेबिल को कहते हैं सेंड्री क्रेडिटर्स, पेबिल में गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर एक्स, मैं मिस्टर एक्स की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ। मिस्टर एक्स का उधार है 28,980 रुपये का उधार, यानी मुझे मिस्टर एक्स को अदा करने हैं 28,980 रुपये। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, करंट एसेट्स पर आता हूँ। और करंट एसेट्स पे आने के बाद अगर बैंक अकाउंट देखें तो मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, 1,30,000 रुपीज़ हैं। कब तक? 23 अगस्त तक की बात हो रही है। ठीक है जी, आइए याद रखिएगा इन दोनों बातों को। अब मैं मिस्टर एक्स को एक पेमेंट करने जा रहा हूँ, अकाउंटिंग वाउचर में गया। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं तो कौन सा वाउचर बनेगा? सर, पेमेंट वाउचर बनेगा। ठीक, और अगर पेमेंट वाउचर बनेगा तो सर चेक तो हम आज दे रहे हैं 23 अगस्त को, लेकिन वो चेक है 31 अगस्त का, यानी 31 अगस्त का। तो हमारे बैंक से पैसे भी कब निकलने चाहिए? 31 अगस्त को ही निकलने चाहिए। तो वाउचर आज बना रहे हैं, पेमेंट आज कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट होगी उसके हमारे बैंक अकाउंट से कब की? 31 अगस्त को होगी भाई। ठीक है, हो सकता है कि आपने एक हफ्ते के बीच में जो है वो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ, कुछ नहीं कर सकते, तो आपने उसको खुश करने के लिए कि भाई क्या याद करोगे, देखो मैं तुम्हें चेक दे दिया, चेक तो इशू कर दिया आपने उसे, लेकिन डेट डाली कि भाई देखो बैंक तो खुल नहीं सकता 31 अगस्त से पहले तक, तो 31 अगस्त की मैं इस पर डेट डाल रहा हूँ। तो आपने उस पर 31 अगस्त की डेट डाल दी। तो इसके लिए आप आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है पोस्ट डेटेड का, पोस्ट डेटेड पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा पोस्ट डेटेड, डेट चेंज कर दीजिए। अब कौन सी डेट डालेंगे? वो डेट डालेंगे जिस डेट का ये चेक है। अब आप आज की डेट नहीं डालेंगे बल्कि जिस डेट पे ये चेक कैश होगा वो डेट डालेंगे, यानी 31 अगस्त 2021। ठीक, टैप दबाएंगे, टैप दबाएंगे। पेमेंट कहाँ से करेंगे? बैंक अकाउंट से करेंगे, तो बैंक को सिलेक्ट किया। किसको पेमेंट कर रहे हैं? मिस्टर एक्स को पेमेंट कर रहे हैं। कितनी पेमेंट कर रहे हैं हम उन्हें? 20,000 की पेमेंट कर रहे हैं, हालांकि उधार है 28,000 का, पेमेंट कर रहे हैं हमने 20,000 की। टैप दबाइए। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो करता है, देखिए मैं आपको एक बार ये ऑप्शन डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप उन्हें किसी चीज़ के लिए एडवांस में पैसा दे रहे हैं तो एडवांस कर दीजिए। अगर आप उसे किसी बिल के बदले पेमेंट कर रहे हैं, कोई पुराना एक बिल था उसके बदले पेमेंट कर रहे हैं, तो वो बिल का रेफरेंस यहाँ पर दे दीजिए, वो बिल सेलेक्ट कर लीजिए। कोई नया रेफरेंस नंबर देना चाहते हैं तो खुद दे दीजिए। और अगर आप ये कहना चाह रहे हैं ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब ये है, बहुत ही सिंपल है, ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि दो तीन बिल मिलाकर एक साथ पेमेंट कर रहे हैं, या एक बिल में से आधी पेमेंट कर रहे हैं, दूसरी बिल में से आधी पेमेंट कर रहे हैं, यानी कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो सिंपली क्या सिलेक्ट कर लीजिए? ऑन अकाउंट, यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता कि मैं कितनी किस बिल की पेमेंट कर रहा हूँ, बस मैं 20,000 रुपये दे रहा हूँ। अब वो चाहे एक बिल के हों चाहे दूसरे बिल के, उसमें आधे पैसे एडजस्ट हो रहे हों, टोटल मिलाकर मैं आपको 20,000 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ, तो इसके लिए बेहतर है क्या सिलेक्ट कर लीजिए? ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट सेलेक्ट किया, 20,000 सेलेक्ट किया, एंड देन ओके कर दीजिए। टैप दबा दीजिए, टैप दबा दीजिए, टैप दबा दीजिए। अब आइए ज़रा मैं अपना बैंक अकाउंट चेक करता हूँ। डिस्प्ले पर आता हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस में गया, और ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद करंट एसेट्स में गया, और करंट एसेट्स में जाने के बाद मैंने अपना बैंक चेक किया, तो मेरे बैंक अकाउंट में अब भी कितने पैसे मौजूद हैं? 1,30,000 रुपीज़ ही मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? वो इसलिए मौजूद हैं कि सर आपने जो चेक इशू किया है अभी वो चेक आपके बैंक से पे नहीं हुआ। तो सर हमें कैसे पता चलेगा सर आपने जो किया वो होगा भी क्या नहीं होगा? तो भाई देखिए, इसका काम ये है कि आप क्या कीजिए कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पीरियड, इस पीरियड को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, F2 दबा दीजिए अपने कीबोर्ड से, या इस पर क्लिक कर दीजिए, और फ्रॉम यानी बिगिनिंग डेट कोई भी डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंडिंग डेट कब तक की डेट? 31 अगस्त की बात कर रहे थे हम, तो 31 अगस्त 2021 ये डेट इस पर सेलेक्ट कर दीजिए, एंड देन
ओहो सर वाह, हमारे बैंक में आप कितने हो गए, 1,10,000। क्यों हो गए? क्योंकि 20,000 की इसमें से पेमेंट हो चुकी है। ठीक है जी, टैप दबाएंगे, सॉरी इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, ये मज़ीद आपको रिकॉर्ड शो करता चला जाएगा। अगस्त में आएंगे, टैप इंटर दबाएंगे, वो शो कर रहा है कि आपने पेमेंट की है 31 अगस्त को। देखिए डेट क्या शो कर रहा है, 31 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त की डेट शो नहीं कर रहा, बल्कि 31 अगस्त की डेट शो कर रहा है कि 31 अगस्त को आपने उन्हें 20,000 रुपये की पेमेंट की है। ठीक है जी, अब इसी तरीके से अगर आप अपने सप्लायर का बैलेंस देखें सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाकर, तो मिस्टर एक्स का बैलेंस कितना शो हो रहा है अभी, 28,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद पीरियड को चेंज कीजिए, पीरियड चेंज करने के बाद 31 अगस्त 2021 सेलेक्ट कीजिए और देखिए इनका बैलेंस कितना हो गया, 8,980 रुपये का इनका बैलेंस हो गया। ठीक है जी, तो उस डेट पर इसकी एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी। अभी तो खैर हमने डेट चेंज की है, यहाँ से खुद चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन जब आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली, जाहिर सी बात है जब आप नेक्स्ट डे से ओपन करेंगे, तो इसकी डेट चेंज हो जाएगी, 24 हो जाएगी, फिर 25 हो जाएगी, फिर 26 हो जाएगी। यानी जैसे जैसे आप इसे इंटर करते जाएंगे, आपके सिस्टम की डेट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाएगी। जब चेंज होगी तो जैसे यहाँ पर 31 अगस्त की डेट आएगी, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वो एंट्री अपडेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये काम है किसका, पोस्ट डेटेड चेक्स का, कि अगर आपको आगे की डेट का कोई चेक रिकॉर्ड करना है, उसकी एंट्री अपने पास रिकॉर्ड करनी है, तो आप किस तरह से उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जैसे ही वो डेट आएगी ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये छोटा सा ऑप्शन समझ में आएगा, बड़े काम का ऑप्शन है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में कुछ एडवांस्ड चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।